वेलकम। आर्टिकल सीरीज के पार्ट वन में हमने पढ़ा जीरो आर्टिकल के 16 नियम। पार्ट टू में हमने द आर्टिकल के 36 नियमों का अध्ययन किया एवं आज पार्ट थ्री में हम अध्ययन करेंगे आर्टिकल एन तथा ए के प्रयोग का। एन एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। जब किसी शब्द या फ्रेज के सामने जीरो आर्टिकल नहीं आ पाए तथा आर्टिकल के दादाजी अर्थात डेफिनेट आर्टिकल द भी नहीं आ पाए, इसके साथ ही उस शब्द या फ्रेज का प्रारंभ बॉवेल साउंड से हो तो हम उसके पहले एन लगाते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि एन का संबंध वॉवेल साउंड से है। जैसे एमए के पहले एन आएगा, ऑनेस्ट के पहले एन आएगा, एमएलए के पहले एन आएगा। हमारी परिचर्चा यह है, अंग्रेजी के किसी शब्द के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना हो तो सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी है? सबसे अच्छी ट्रिक है हिंदी देवनागरी लिपि की ट्रिक। इसके अंतर्गत हिंदी के 13 स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आह और री, इनसे प्रारंभ होने वाले अंग्रेजी शब्द के पहले आर्टिकल एन लगाते हैं। अंग्रेजी भाषा का कोई शब्द अगर इंग्लिश वॉवेल से स्टार्ट हो तो उसके पहले आर्टिकल एन लगाते हैं। इन इंग्लिश वॉवेल की संख्या 20 है तथा इन इंग्लिश वॉवेल की सूची इस प्रकार है, ई, इ, उ, उ, ए, अ, अ, ओ, ए, अ, आ, ओ, इया, ए, उआ, ओई, औ, एआ, आई, और औ। अंग्रेजी भाषा का कोई शब्द अंग्रेजी के 24 कॉन्सोनेंट साउंड से प्रारंभ हो तो उसके पहले हम आर्टिकल अ का प्रयोग करते हैं। जैसे अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ पेन, अ बुक इत्यादि। अंग्रेजी भाषा के कॉन्सोनेंट की सूची इस प्रकार है, प, ब, ट, द, च, झ, क, ग, फ, ब, थ, द, स, ज, श, झ, म, न, इं, ह, ल, र, व इत्यादि। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी देवनागरी लिपि के 13 स्वर का अभ्यास करेंगे। आप मेरे बात बोलिए, अ, आ, ई,
ई उ उ ए आई ओ औ अम अह री। स्टूडेंट्स, हिंदी देवनागरी भाषा के ये 13 स्वर अंग्रेजी आर्टिकल एन के रिश्तेदार हैं, अर्थात इनके पहले अंग्रेजी भाषा का आर्टिकल एन आता है। इसके दो उच्चारण होते हैं, पहला अन, दूसरा एन। स्टूडेंट्स, आर्टिकल आ एवं एन के प्रयोग का वर्णन इस प्रकार है। वन, द फर्स्ट टाइम वी मेंशन और रिफर टू अ नाउन, जब हम पहली बार किसी संज्ञा का वर्णन या परिचय करते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉट अ न्यू पेन, द पेन वॉज ब्लू। अ या एन के प्रयोग का दूसरा प्रकार, टू नेम अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप, अर्थात किसी समूह के किसी सदस्य का नाम बताने के लिए। उदाहरण, आई एम अ टीचर, ही इज एन अमेरिकन, सी इज अ बुद्धिस्ट। आर्टिकल अ तथा एन का तीसरे प्रकार का प्रयोग, व्हेन यू आल्सो मीन वन, जब आपको एक संख्या दिखाना हो। उदाहरण, आई हैड एन एप्पल एट लंच, आई हैव अ बुक। यूज ऑफ आर्टिकल ए। फोर्थ, एक्सप्रेशन दैट क्वांटिफाई, जो भाव मात्रा को दिखाता हो। एग्जाम्पल, अ लिटिल ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ टन ऑफ एक्सेट्रा इत्यादि। उदाहरण सहित अभ्यास एवं व्याख्या। क्वेश्चन वन, ही इज ब्लैंक यूरोपियन। स्टूडेंट्स बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा, जीरो, द, एन या फिर आ। वन टू थ्री। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है आ, क्योंकि यूरोपियन कोई देश नहीं है, इसलिए इसमें जीरो आर्टिकल नहीं आएगा। यूरोपियन व्यक्ति इस दुनिया में करोड़ों हैं, इसलिए इसमें द आर्टिकल नहीं आएगा। तथा यूरोपियन बोलते समय पहला अक्षर या यज्ञ का निकलता है, जो व्यंजन है, इसलिए सही उत्तर होगा आ। क्वेश्चन नंबर टू, राहुल इज होल्डिंग ब्लैंक ऑनरेरी पोस्ट। स्टूडेंट्स बताइए इसमें ब्लैंक की जगह में क्या आएगा, जीरो, द, एन या फिर आ। सही उत्तर है, इसमें ब्लैंक की जगह पर एन आएगा, क्योंकि ऑनरेरी पोस्ट में जीरो आर्टिकल नहीं आएगा। ऑनरेरी पोस्ट कोई ये अकेली पोस्ट नहीं है, दुनिया में ऐसी कई पोस्ट हो सकती हैं, इसलिए आर्टिकल द नहीं आएगा। तथा अब प्रश्न उठता है, एन तथा आ के बीच में से कौन सा आंसर सही होगा। तो चूंकि ऑनरेरी में एच साइलेंट है तथा उच्चारण ऑनरेरी
अ से शुरू हो रहा है जो कि एक स्वर है, हिंदी में भी स्वर है, अंग्रेजी में भी स्वर है, इसलिए सही उत्तर होगा एन। स्टूडेंट्स, माय ब्रदर इज ब्लैंक एसडीओ। इस प्रश्न में ब्लैंक की जगह पर कौन सा आर्टिकल आएगा? वन टू थ्री, सही उत्तर है एन आर्टिकल। व्याख्या, एसडीओ में जीरो आर्टिकल नहीं आएगा। एसडीओ यहां पर कोई खास एसडीओ की बात नहीं चल रही है, इस दुनिया में बहुत सारे एसडीओ हैं, इसलिए द आर्टिकल नहीं आएगा। अब किसी एक को चुनना है एन या आ में से, तो चूंकि एसडीओ का उच्चारण ए से शुरू हो रहा है जो हिंदी में भी स्वर है, अंग्रेजी में भी स्वर है, इसलिए एन सही उत्तर है। स्टूडेंट्स, हिज फादर इज ब्लैंक एमएलए। इस प्रश्न में कौन सा आर्टिकल आएगा? वन टू थ्री, सही उत्तर है एन आर्टिकल। व्याख्या, एमएलए के पहले जीरो आर्टिकल नहीं आएगा। यहां पर किसी खास एमएलए की बात नहीं चल रही है, इस दुनिया में अनेक एमएलए हैं, इसलिए द आर्टिकल नहीं आएगा। अब प्रश्न उठता है एन तथा ए में से कौन सा आर्टिकल आएगा? एमएलए का उच्चारण ए स्वर से शुरू होता है, इसलिए एमएलए के पहले एन आर्टिकल आएगा। स्टूडेंट्स, ही गेव मी ब्लैंक वन रुपी। इस प्रश्न में ब्लैंक की जगह पर कौन सा आर्टिकल आएगा? वन टू थ्री, सही उत्तर है अ आर्टिकल। व्याख्या, वन के पहले जीरो नहीं आएगा। वन रुपी कोई एक खास नोट नहीं है, ऐसे बहुत सारे नोट प्रिंट किए गए हैं, इसलिए द आर्टिकल नहीं आएगा। अब प्रश्न उठता है एन तथा आ में से कौन सा आर्टिकल आना चाहिए? तो वन का उच्चारण हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो रहा है, वा वजन का, इसलिए सही उत्तर है आ आर्टिकल आएगा। His father is blank MP. स्टूडेंट्स, यहां ब्लैंक की जगह पर कौन सा आर्टिकल आएगा? वन टू थ्री, सही उत्तर है एन आर्टिकल। व्याख्या, एमपी के पहले जीरो आर्टिकल तो नहीं आएगा, और इस दुनिया में एमपी अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई एक नहीं होता, अनेक हैं, तथा यहां पर प्रश्न में किसी खास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात भी नहीं चल रही है, इसलिए द आर्टिकल नहीं आएगा। अब प्रश्न उठता है एन तथा आ में से कौन सा आर्टिकल आएगा? एमपी का उच्चारण हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्वर अर्थात वॉवेल साउंड से प्रारंभ होता है, इसलिए सही उत्तर है एन आर्टिकल। आई नीड टू वर्क फॉर ब्लैंक आवर। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में ब्लैंक की जगह पर कौन सा आर्टिकल आएगा? वन टू थ्री, सही उत्तर है एन आर्टिकल। व्याख्या, आवर के पहले जीरो आर्टिकल तो नहीं आएगा, तथा यह कोई खास आवर नहीं है, ऐसे कई आवर होते हैं, इसलिए द आर्टिकल भी नहीं आएगा। अब प्रश्न उठता है एन तथा आ आर्टिकल में से कौन सा सही है? आवर का उच्चारण करने में यहाँ एच तो साइलेंट है, तथा
आवर एक स्वर है, इंग्लिश में वॉवेल साउंड है, इसलिए सही उत्तर है एन आर्टिकल। ही इज ब्लैंक यूनियन लीडर। इस प्रश्न में ब्लैंक की जगह पर कौन सा आर्टिकल आएगा? 1, 2, 3। सही उत्तर है आ आर्टिकल। व्याख्या, यूनियन लीडर के पहले जीरो आर्टिकल नहीं आएगा तथा यहां पर किसी खास यूनियन लीडर की बात नहीं चल रही है। दुनिया में ऐसे अनेक यूनियन लीडर होते हैं, इसलिए द आर्टिकल नहीं आएगा। अब प्रश्न उठता है एन तथा आ में से कौन सा उत्तर सही है। यूनियन का उच्चारण करने पर उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से प्रारंभ होता है, हिंदी के व्यंजन से प्रारंभ होता है, इसलिए सही उत्तर है अ आर्टिकल। स्टूडेंट्स, RDVV इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी। इस प्रश्न में ब्लैंक की जगह पर कौन सा आर्टिकल आएगा? 1, 2, 3। सही उत्तर है अ आर्टिकल। व्याख्या, यूनिवर्सिटी के पहले जीरो आर्टिकल नहीं आएगा तथा यहां पर किसी खास प्रकार की यूनिवर्सिटी होने के कोई सबूत नहीं है, इसलिए द आर्टिकल नहीं आएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि एन तथा ए में से कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, तो उच्चारण कर देखते हैं। यूनिवर्सिटी का उच्चारण हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है, अतएव सही उत्तर है आ आर्टिकल। ही नीड ब्लैंक एक्सरे। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में ब्लैंक की जगह पर कौन सा आर्टिकल आएगा? 1, 2, 3। सही उत्तर है एन आर्टिकल। व्याख्या, एक्सरे के पहले जीरो आर्टिकल नहीं आएगा। एक्सरे ना तो कोई खास है और ना ही दुनिया में अकेला होता है, अतएव द आर्टिकल भी नहीं आएगा। अब प्रश्न उठता है एन तथा आ में से कौन सा उत्तर सही है। एक्सरे का उच्चारण कीजिए, यह ऐसे शुरू होता है जो कि हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में स्वर है, अर्थात वॉवेल साउंड है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है एन आर्टिकल। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। अभी तक आपने पार्ट वन में जीरो आर्टिकल के 16 नियमों का अध्ययन किया। पार्ट टू में द आर्टिकल के 36 रूल्स का अध्ययन किया और अभी हमने पार्ट थ्री में एन तथा आ आर्टिकल का अध्ययन किया। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।